हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। जैसे कि अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर हैं तो जानते होंगे मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, बरसात की सब्जियाँ मेरे साथ लगाइए आप। तो उसी सीरीज़ में आज ये मैं थर्ड पार्ट बना रही हूँ। और सबसे पहले मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरी भिंडियाँ कितनी अच्छे से ग्रो हो रही हैं, इस पर न्यू फ्लावरिंग भी आ रही है और भिंडियाँ भी बन रही हैं। और यहाँ पर भिंडी के ग्रो बैग में मैंने यहाँ पर लगाए हुए थे बैंगन के सीड, और वो देखिए अच्छे से जो है सीडलिंग ग्रो हो रहे हैं। और आज मैं जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाए थे ना आपको, सीड्स मैंने निकाले थे घर की वेजिटेबल से ही, उनको ग्रो करने वाली हूँ। ये देखिए मैं नीचे से सारे सीड ऊपर ले आई हूँ और आज मैं इनको ग्रो करके दिखाऊंगी आपको। ये मैंने सारे सीड्स जो हैं वो घर की वेजिटेबल से निकाले हैं। ये बैंगन के सीड हैं, ये टमाटर के सीड हैं जो नॉर्मल टमाटर होता है हमारा बड़े वाला, और ये चेरी टमाटर के सीड हैं, और ये एक मिर्च है, इसके सीड लगाऊंगी मैं आज। वैसे तो देखिए कहा जाता है कि सीड लगाने के लिए सीडलिंग ट्रे यूज़ करो, कोकोपीट यूज़ करो, तो इसमें इस जो सीड्स की जर्मिनेशन है वो अच्छी होती है और सीड्स अच्छे से ग्रो होते हैं। पर मैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से सीड्स लगाना बताऊंगी आपको। वैसे तो देखिए मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैं इसमें भी लगा सकती हूँ, पर ये चीज़ें ना हर किसी के पास नहीं होती हैं। और अगर वो गार्डनिंग करना चाहे तो वो सोचेगा मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं हैं, मैं कैसे फिर सीड्स लगाऊँ। तो उस कन्फ्यूज़न को, उस टेंशन को दूर करने के लिए मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊँगी कि अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं भी हैं ना, तब भी आप जो है वो सीड्स लगा सकते हो सब्जियों के, और अपने घर में गार्डनिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप गार्डनिंग करने की सोच रहे हो तो इट मीन्स आपके पास कुछ मिट्टी, कुछ पोर्ट्स पहले से भी हैं, तभी तो आप सब्जियां लगाने की सोच रहे हो कि अब मैं आगे सब्जियां लगाता हूं। तो क्या है कि अगर आपके पास वो चीजें हैं ना, तो आप किसी भी पोर्ट में, पुराना पोर्ट जिसमें चीजें लगी हुई हैं पहले से, उसमें भी सीडलिंग कर सकते हो। और वही चीज मैं आज आपको बताने वाली हूं। अगर आपके पास कुछ भी पोर्ट्स हैं पुराने, तो ये देखिए जैसे ये मेरा एक अंजीर का प्लांट है, इस पे अंजीर लगी हुई हैं, और इसी के अंदर मैं जो है वो आज टमाटर की सीडलिंग कर दूंगी, और इसी में से टमाटर निकाल के हम पौधे जो सीडलिंग तैयार होंगे हमारे, उसी से हम नए पौधे बना लेंगे। तो करूंगी क्या मैं, ये ऐसे जो हमारा अंजीर का प्लांट है इसके साइड पे ऐसे छोटी सी रिंग बना लूंगी, और इसमें ये जो मेरे टमाटर के बीज हैं इनको मैं ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। इसमें से हमें अच्छे पौधे मिल जाएंगे, ऐसे ऊपर से कवर कर देंगे हम, और इसमें हमें अच्छे पौधे मिल जाएंगे टमाटर के, और उन्हीं पौधों को निकाल कर हम जो है वो अपने ग्रो बैग्स में लगा के टमाटर के पौधे तैयार कर लेंगे। सीडलिंग के लिए हमने जो है वो इसे यूज़ किया है, सीडलिंग हमारे जो है वो इसमें रेडी होंगे। टमाटर के पौधे लगाने के लिए हमें अलग से पॉट लेने पड़ेंगे, पर जब तक हम मिट्टी और बाकी चीज़ें नहीं अरेंज करते तब तक हम सीडलिंग को तो इस पॉट में तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही मैं इसको घुमा के इसकी दूसरी साइड पर यहाँ पर मैं लगा दूंगी मिर्च के बीज, ऐसी एक रिंग बनाऊंगी। ये देखिए रिंग बना ली मैंने, रिंग बना के मैं मिर्च के बीज लगा दूंगी। ये ऐसे देखिए मैंने इसमें बैंगन के बीज डाल दिए हैं। ये बैंगन के बीज कैसे निकालने हैं घर के बैंगन से, ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अपनी पिछली वीडियो में। बस ये बैंगन के बीज डाल के इसको अब हम ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी डाल देंगे, ढक देंगे। बस ऊपर से हल्का सा पानी दे देंगे, और इसमें हमने लगाए बैंगन के बीज। टमाटर, मिर्च और बैंगन के बीज हमने लगा लिए हैं, अब हम लगाएंगे चेरी टमाटर के बीज। ये हैं चेरी टमाटर के बीज, अब जरा इनके लिए कोई पॉट ढूंढने कि इनको कहाँ लगाना है हमें। इनके लिए भी मुझे पॉट मिल गया, ये इसमें मेरे पुराने पौधे लगे हुए थे गेंदे के, मैंने इनको पानी देना बंद कर दिया था तो ये सूख गए। अब इसी पॉट में मैं लगा दूंगी चेरी टमाटर के बीज। देखिए कितनी रूट इसकी डेवलप हुई थी कि रूट निकालते पूरा मिट्टी बाहर आ रही है। बस इसी में मैं डाल दूंगी चेरी टमाटर के सीड्स। बस ऐसे हमें सीड्स लेने हैं और ऐसे पानी से ऐसे बिखेर देने हैं, पूरे सीड झाड़ दो आप इसमें, और ऊपर से ये मिट्टी को ऐसे कवर कर दो। अब अच्छी तरह से पानी दे देंगे
और हम देखेंगे थोड़े दिनों में ही ना हमारे जो सीड्स हैं वो अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट कर देंगे, और इसमें से इनको हम बड़ा होने देंगे 20-25 दिन इसी पोट में, और जब ये बीज हमारे 20-25 दिन के हो जाएंगे सीडलिंग, तब उस सीडलिंग में से हेल्दी सीडलिंग्स को जो हमें वो अपने पोट्स में ट्रांसप्लांट कर देंगे जहाँ पर भी हमें लगाने हैं। और तब तक 20-25 दिन का टाइम है आपके पास, 20-25 दिन तक आप अच्छे से अपने पोट्स और मिट्टी लाकर उसको रेडी कर लीजिए प्लांट्स लगाने के लिए। इसमें बैंगन के बीज लगाए हैं और इसमें चेरी टमाटर के बीज लगाए हैं। टैग करना चाहते हो तो आप टैग कर दो, और उससे आपको याद रहेगा कि आपने किस वाले पोट में कौन से सीड्स जो हैं वो लगाए हैं। ये देखिए मैंने भी यहाँ पर मिट्टी सूखने डाल रखी है, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मिट्टी मंगवा के सूखने के लिए डाल दीजिए, उसको सोलराइज कर लीजिए, क्योंकि हम जब पौधे लगाते हैं ना अपनी मिट्टी में तो वो मिट्टी लगातार गीली रहती है, क्योंकि हम रोज़ पौधों को पानी देते हैं, तो उससे क्या है कि मिट्टी में काफ़ी फंगस वगैरह या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह आ जाती हैं। तो जब हमें नए पौधे लगाने हैं तो हमेशा हमें मिट्टी को सोलराइज कर लेना चाहिए एक बार। उससे क्या होता है कि मिट्टी की जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज या कोई फंगल अगर डिजीज़ मिट्टी में है तो वो जो है ना ख़त्म हो जाती है धूप लगने से। तो ऐसे ही मैंने भी आज, क्योंकि छत पे मिट्टी फैलाई हुई है तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक बार दिखा दूं, क्योंकि मैं ना मिट्टी अब नहीं फैला पा रही थी, क्योंकि दिल्ली में ना बहुत तेज़ आंधियां चल रही हैं, उससे उसके चलते ना मेरी मिट्टी उड़ जाती है, और कल भी बहुत तेज़ आंधी तूफान था और एक मिनट में 5 मिनट के लिए बारिश भी आ गई। अभी आंधी चल रही थी, बिल्कुल बारिश का कोई आसार नहीं थे और एकदम से बारिश आ गई, और मैं क्या करती हूँ एक एक गमले को करके मिट्टी को धूप लगवा रही हूँ, ताकि अगर बारिश का मौसम बने भी ना फटाफट मिट्टी समेटनी भी आसान होती है। ज़्यादा मिट्टी फैला लेंगे तो हम मिट्टी को समेट नहीं पाएंगे, जब तक हम इकट्ठा करेंगे बारिश आ जाएगी, हमारी मिट्टी गीली हो जाएगी। तो इसलिए मैं एक एक गमले को करके मिट्टी को धूप लगवा रही हूँ। आज धूप निकली हुई थी, अभी अभी तो खैर बादल आ गए हैं, तो मैंने ये एक गमले की मिट्टी जो है वो ऐसे धूप में डाल रखी है। तो ऐसे एक एक गमले को करके मैं मिट्टी को सोलराइज कर लूँगी अपनी को सारी। अब ज़रा टैग लगा दें जो हमने बीज लगाए हैं। टैग लगा देते हैं हम, ये ब्रिंचल के हैं और ये वाले जो हैं ये थे चिल्ली के, नहीं सॉरी चेरी टमाटर के। तो इसमें हमने जो है वो टैग लगा दिया है चेरी टमाटर का, और बाकी दो भी टैग लगाते हैं। ये अंजीर के प्लांट पे हमने यहाँ पे लगाए थे टमाटर के सीड, तो यहाँ टमाटर का टैग लगा दिया, और जो यहाँ इस साइड लगाए थे हमने चिल्ली के, तो इस साइड जो है वो हमने चिल्ली का टैग लगा दिया। तो अब देखते हैं कि ये कितने दिन में जो है जर्मिनेशन अपनी स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें मैंने बताया कि हम घर की सब्जियों से ही कैसे बीज निकाल के उनको प्लांट कर सकते हैं और अपनी किचन गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इन सीड्स की अपडेट तो अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ में मिल ही जाएगी, क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ उसकी अपडेट साथ के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियोस में देती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।